आज अमेरिका पहुंचेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर भारत और अमेरिका के संबंधों को बताया मजबूत। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह। अमेरिका यात्रा से पहले पीएम मोदी ने दिया अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू। अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच बताया अभूतपूर्व विश्वास। कहा भारत दुनिया में सही जगह पाने के लिए बढ़ रहा है आगे। अमेरिका में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। व्हाइट हाउस में होगा स्वागत समारोह। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले देखिए न्यूज 18 इंडिया पर। हमारा जो रंग देखे हैं उसके साथ आपके लिए हमारा उमंग भी आप देख रहे हो। आज मोदी जी को वेलकम करें सारे हिंदुस्तान के, यूएसए के हमारे सारे दोस्त आए हैं। वेलकम मोदी जी। गीता प्रेस पर दिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी का हमला। कांग्रेस को बताया भारतीय संस्कृति की विरोधी पर। फिल्म आदि पुरुष का दिल्ली से लेकर नेपाल तक विरोध। फिल्म निर्माता ने काठमांडू के मेयर से चिट्ठी लिखकर मांगी माफी। कहा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था मकसद। भोपाल में टॉर्चर वीडियो मामले में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार। बाकी दो आरोपियों की तलाश तेज। शिवराज सरकार के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। चौथी गिरफ्तारी हो गई है और इस तरह की मानसिकता वाली सभी गिरफ्तारी हो जाएंगी। इस केस से जुड़े हुए कोई को भी नहीं छोड़ा जाएगा। राजस्थान के अजमेर में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। पेट्रोल पंप से लेकर मकानों में भरा पानी। राहत का काम तेज। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने मंगला आरती में हिस्सा लिया। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। अरब सागर से उठे तूफान बिपरजॉय का कहर पश्चिम राजस्थान में लगातार जारी है। नीचे जगह वालों को